अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब 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 खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आज तो मैं ब्लॉग ले नहीं पाई, पर मैं सोची क्यों ना मैं ब्लॉग अभी शूट कर लेती हूँ। टाइम तो काफ़ी हो गया, खाना पीना हो गया है, नाइट का डिनर, और मैं अभी किचन का काम करूँगी। एक्चुअली मैं चल गई थी थोड़ा सा डी मार्ट, घर का मतलब ज़्यादा सामान कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट महीना चल रहा ना, तो मैं ज़्यादा नहीं, पर आटा ख़त्म हो गया तो आटा के लिए मुझे जाना पड़ा डी मार्ट, क्योंकि डी मार्ट में बहुत अच्छा रेट रहता है। अभी तो थोड़ा सा धीरे धीरे, जब भी जा रही हूँ ना मैं, तो हर बार 1-2 रुपये बढ़ा दे रहा है डी मार्ट में आटे पे। पहले तो 29 रुपये था, फिर 30, फिर ऐसे अब तो मतलब 33, हाँ 33 रुपये किलो हो गया, 33 रुपये किलो कर दिया। ये बेटा नहीं करो, तो मेरा आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो रोटी बनाना था मुझे, और इत्तेफाक से साथ आ गया, तो बोले चलो मम्मी लेके चलता हूँ मैं उसको। चलना बेटा जाएंगे, यहाँ बहुत महंगा पड़ता है मुझे, तो थोड़ा सा ले आते हैं कम से कम। तो ले गया मैं, फिर भी ब्लॉग नहीं ले पाई, और मैं खाना ना खाई, खाना बच्चे लोग को दे करके अभी मैं फ्री हुई, नमाज़ पढ़ूंगी अभी। तो पहले मैं थोड़ा सा ना किचन का पूरा बर्तन तरह सफाई कर दूँ, उसके बाद मैं जाके फिर नमाज़ अदा करूँगी। तो मैं सोची कि ना आप सबसे बात कर लूँ, और मैं आज सोची डायरेक्ट बात करती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ऐसा सन्नाटा तो मिलता नहीं है, शोर शराबा इतना होता है ना, करके मैं ना नई वॉइस ओवर ही डालना पसंद करती हूँ भाई। कभी कभी ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, डायरेक्ट बात कर लो, ये ज़्यादा ईजी है। क्या करी बेटी, ये मेरी भतीजी भी आई हुई है, पापा आएंगे तो भी लेके जाएंगे, रात हो गई काफ़ी। और मैं आटा लाई और पोहा लाई बस, और एक बहुत अच्छा चीज़ लाई हूँ मैं, एकदम जो मैं बता नहीं सकती, मैं मुझे इतना अच्छा लगा। ये मेरी सिस्टर लेकर के आई थी ना, तो मुझे बताई थी डीमार्ट में मिलता है अभी, और ये बहुत सही रेट है। ऑनलाइन तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन ये देखिए रेट, देखिए आप इसका 149 का है, ये इतना अच्छा रेट है इसका ना, तो मैं तो दिल खुश हो गया। और मैं 2 लेकर के आई हूँ, पैसे थे नहीं मेरे पास, बट फिर भी ना मैं सिस्टर को बोली बताना कि आप सबको कैसा लगा मेरा ट्रे। आटा भी लाई हूँ, आटा खाली करूँगी अभी मैं, और बर्तन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, फिर नमाज़ पढ़ूँगी। सूरमुल्क पढ़ना है मुझे बहुत, चाहे रात 2 बजे ना, मैं सूरमुल्क पढ़ के ही सोती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ना चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आएगा मुझे, तो वो करना है मुझे, सूरमुल्क पढ़ना है, नमाज़ अदा करना है। तो पहले मैं थोड़ा सा घर का काम कर लूँ, नमाज़ पढ़ के आके रिलैक्स होकर आराम से फिर मैं पढ़ती हूँ। चलिए आप सबको दिखाती हूँ बर्तन, तो इतना बर्तन से तो मैं तंग आ गई, पूरी ज़िंदगी लग रहा है मेरी बर्तन धो धो के ख़त्म हो जाएगी, इतना बर्तन निकलता है ना। तो बस मैं सोची कि क्यों ना मैं इससे ही, जब मैं लाई ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं वेट करूं या बाद में अच्छे से करूंगी, मुझे लगा अभी ही मैं सेटअप कर दूं, अच्छा लग रहा है, इतना ट्रे मुझे पसंद आया ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो किचन का एक सामान लाती हूँ उसी में खुश हो जाती हूँ। एक्चुअली मैं जब भी जाती हूँ ना, कुछ ऐसा मुझे सस्ते में मिल जाता है, एक्चुअली मैं सस्ते में जो मिलता है ना उसी को लेती हूँ, इतने कम रेट में नहीं मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ ऐसा चीज़ लाऊँ किचन के लिए, और कुछ नए टाइप का तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं ले लेती हूँ। बस राशन के पैसे से ही पैसा बचा के ना मैं कोशिश करती हूँ 1-2 सामान किचन के ही ले लूँ, जिससे आप वो चीज़ करना चाहिए इंसान को ना, जिससे आपको खुशी मिले, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को खुश कर लेती हूँ। इंसान को खुश रहने के लिए बहुत, ऐसा नहीं कि कोई ताजमहल बनाएगा आपके लिए तभी आप खुश होगे, नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढे और खुश रहे, पॉजिटिव सोचें। और मुझे एक कमेंट आया था, किसी ने किया था कि आप लगते नहीं हैं कि आपका तलाक हुआ है, तलाक के बाद भी, तलाक याफ्ता है उसके बाद भी आप इतने अच्छे से रहती हैं, तैयार होकर इतना खुश रहती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह, नज़र मत लगे। ये अपनी अपनी सोच होती है, तलाक हो गया है तो हम सोचे कि मेरा तलाक हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैं क्यों तैयार होंगी, मैं क्यों खुश होंगी, मैं क्यों जीऊँगी, मैं जीना ही छोड़ दूँ, मैं मर जाती हूँ, तो ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है ना किसी के चले जाने से। लगता है उस वक्त, ऐसा लगता है कि मुझे भी लगता था, लेकिन उस चीज़ से निकलना पड़ता है बाहर, हिम्मत करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव सोच जो रखेंगे ना, सोच सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, इंसान जैसा सोचता है ना वैसी चीज़ें उसके ऊपर हावी हो जाती है। अगर आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे, खुश रहेंगे, तो वो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, खुश। और अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचेंगी, नेगेटिव थॉट रहेंगे आपके दिमाग में, तो फिर आप वैसे ही आपकी लाइफ में होगा। तो सोच अपनी बेहतर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा, ख्याल को इंसान को ना हाल ना इंसान का ख्याल ख़राब करता है। अगर जैसा हाल रहेगा ना, जैसा ख्याल रहेगा वैसा ही हाल हो जाता है इंसान का। तो मेरा मेरा ख्याल ना बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब भी किसी चीज़ को लेकर के मैं सोचती हूँ ना, तो मैं अच्छा सोचती हूँ, मैं कभी नहीं सोचती हूँ ऐसा हो जाएगा, मैं ये क्यों कर पाऊँगी, मैं वो नहीं कर पाऊँगी, या किसी चीज़ को भी करने के लिए ना मैं
हमेशा अच्छा सोचती हूँ, मतलब मैं उस जवान से ना अच्छा ही चीज़ निकलता है कि नहीं किसी कुछ देख के कभी लालच नहीं करी, कभी जलन हसद नहीं करी, बस मैं भी लूँगी इंशाल्लाह, मैं भी लूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं भी सोचती हूँ। तो बस अपना सोच अच्छा रखें, अपने ख्याल को अच्छा रखें तो आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। अगर आप सोच लें कि हम आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको कुछ नहीं हो सकता। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचना बहुत अच्छी बात है आपकी अपनी सेहत के लिए, और कोई किसी के लिए यहाँ नहीं मरता, ये दुनिया है। खुद से मोहब्बत करें, खुद से प्यार करें अपने आप से। मैं इस चीज़ ये दुनिया ने मुझे ये तो सिखा दिया, समझ में आ गया मेरे को कि अपने आप से प्यार करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा खुश रहता है इंसान। दूसरों के पीछे भागने से ना तकलीफ़ और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं तो यही बोलूँगी कि आप खुश रहे। किसी का तलाक हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम आप जीना छोड़ दो, आप सोचो कि नहीं अब ऐसा क्यों है। और ज़रूरी नहीं है कि हाँ हर वक्त हम रो नहीं सकते ना, दिखा नहीं सकते, तकलीफ़ मुझे भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में अकेले फेस करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं मैं एनी टाइम हंसते रहती हूँ, एनी टाइम खुश रहती हूँ। पर मैं सोचती हूँ, एक ही चीज़ सोचती हूँ, अगर थोड़ी सी हम स्माइल करके फ़ोटो ले लेते, सेल्फी लेते, कितनी अच्छी फ़ोटो में कितना अच्छा पिक्चर आता है हमारा। तो अगर ज़िंदगी में भी हम इसी तरह खुश रहेंगे, खुश रहने की आदत डालेंगे, चेहरे पे स्माइल रखेंगे, तो ज़िंदगी भी हमारी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमें इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, इतना ज़्यादा हम सोच लेते हैं, नेगेटिविटी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा रहती है कि हमारा चेहरा रंग एकदम अलग हो जाता है। खुश रहोगे ना तो बहुत ही अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा आप सबको। तो बस खुश रहना सीखे, ज़िंदगी को जीना सीखे। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में एक अलग से ही एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है नहीं, थोड़ा सा ख़राब भी लगता है लेकिन अच्छा भी लगता है। चलो ठीक है, ये सब तो लाइफ का हिस्सा है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो होती रहेंगी। तो बस मैं सोची क्यों ना जल्दी फटाफट मैं काम कर लूँ, फिर मुझे नमाज भी अदा करनी थी, ऐसा कि टाइम काफ़ी हो गया था, आटा वाटा खाली कर दूँ, सुबह लेट होगी उठने में और पूरा किचन फैला रहेगा तो मुझे टेंशन होगी। तो इसलिए मैं सोची क्यों ना मैं अभी ही सब चीज़ को सेटअप कर दूँ, और ये मैं थोड़ा सा अपना किचन का थोड़ा सा सेटअप चेंज करी हूँ, जो दिख रहे होंगे आपको वॉल पे, ये सब थोड़ा अलग जगह लगा था जो दिखता नहीं था, तो मैं इसको सामने में लगा दी, जो अच्छा लगा, थोड़ा चेंज करके लगाऊँ तो अच्छा लगता है। तो बस ज़्यादा नहीं लाई हूँ आटा, नेक्स्ट टाइम फिर जाऊँगी इंशाल्लाह, थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो अगले मंथ। तो फिर यहाँ पे पोहा भी ले ली थी मैं, 1 किलो पतला पोहा, पोहा ही बच्चों को बना के दो तो अच्छा रहता है। ख़त्म हो गए थे ऐसे, लास्ट महीने में राशन भी ख़त्म होते जाते हैं, तो मैं लोकल शॉप से भी ले लेती हूँ और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे गई तो बाहर से भी ले लेती हूँ। और बस यहाँ पे पोहा डाल दी मैं, एक डब्बा पूरा फुल हो गया था। यहाँ पे मेरी भतीजी मुझे तंग कर रही थी, एक्चुअली भतीजी भी आई हुई हैं और कल संडे है मेरे साथ, मैं गई थी सुबह ना तो आ गई थी साथ में, फिर मैं भी जाऊँगी, अम्मा बोलती है मुझे, तो मैं उसे, वो मेरे साथ साथ घूम रही पीछे पीछे, सब सो गए हैं, सिस्टर भी आई हुई है तो वो सो गई बच्चों लोग को लेकर के, और मेरा किचन का काम था तो मैं किचन में थी, वो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, तंग कर रही थी मुझे बहुत, अम्मा ये अम्मा वो, ये दे दो वो कर दो, तो छोटे बच्चे करते ही हैं। तो बस यहाँ पर ही मैं रेगुलेटर भी बंद कर दी, रात में बंद करके सोना चाहिए, मैं ऐसे कभी भी बाई चांस कभी भूल जाती हूँ, नहीं तो लास्ट में मैं बस यहाँ पे फिर नमाज अदा करी, उसके बाद मुझे सूरह मुल्क पढ़ना था, आज मैं सूरह रहमान भी नहीं पढ़ी, सूरह रहमान भी मैं रोज़ पढ़ती हूँ, तो मैं सोची क्यों ना अभी सूरह मुल्क और सूरह रहमान पढ़ लूँ। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, और बस आप सब इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे प्यार देते रहें। और किसी ने मुझे कल के ब्लॉग में कमेंट किया था कि आप इंसान तकब्बुर पर्दे या कैसे कर सकता, तो होता है जब इंसान इबादत करने लगता तो इबादत का तकब्बुर हो जाता है कि हम सबसे बेहतर हैं, इसलिए जो लेडीज़ हैं पर्दा ज़्यादा करती हैं, और जो बेपर्दे औरतों को देखती हैं ना तो उन्हें दिल में ये ख्याल आता है कि हम तो बेहतर है उससे, हम तो पर्दा करते हैं, हमारा जिस्म नहीं दिखता है, अल्लाह हमसे खुश है। और जो ऐसे ही घूमती हैं तो उसे देख के थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा होता ना गिरा हुआ ऐसे देखता है, तो वो चीज़ भी आ जाती कभी कभी। शैतान मन में ना इसी चीज़, जो अच्छा नेक इंसान रहता ना उसको शैतान इसी चीज़ से मारता है कि उसके अंदर तकब्बुर डाल देता है, क्योंकि इबलिस ने भी यही किया था, सजदे का ही तो इनकार किया था इबलिस ने। सिस्टर भी आई हुई हैं बच्चों को लेकर के, वो सो गई हैं, एक्चुअली उनको लगाना था मेहंदी, गुनगुन से मेहंदी लगाई थी मैडम जी, उनको गुनगुन मेहंदी लगा रही थी और मैं इसे सुला रही हूँ, और बाकी बच्चे लोग सब सो गए हैं। तो बस आज था मेरा ये नाइट का ब्लॉग, मैं सोची क्यों ना चलो, मुझे जब भी ऐसा लगता है तो मैं
लगता है कि चलो मैं आपसे बातें कर लूँ, मैं वीडियो बना लूँ, और इसमें ही अपने आप को खुश कर लेती हूँ। जो चीज़ इंसान को अच्छा लगे इसमें खुशी मिले वो काम करना चाहिए। तो मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आप सबसे इसी तरह बातें करना, और आप सबका जो प्यार सपोर्ट जो मिल रहा है उससे तो मुझे और एनर्जी आ जाती है और हिम्मत आ रही है मुझे कि मैं इंशाल्लाह आगे मस्त अच्छी ब्लॉगर बनूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबका इसी तरह प्यारा सपोर्ट है। तो और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।